अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों ने अपना पहला सबक अच्छे तरीके से याद किया होगा। आज तजवीद के साथ कुरान पाक सीखने का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम सूरह बकरा की नेक्स्ट आयात को पढ़ेंगे। सबक पढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरी वीडियोस को शेयर लाजमी करें ताकि दूसरे लोगों तक मेरी वीडियोस जा सकें और वो भी घर बैठ कर तजवीदे कुरान सीख सकें। सबक पढ़ने से पहले हम सबक याद करने की दुआ पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इफ्तह अलैना हिकमताका वंशुर अलैना रहमताका या ज़ल जलाली वल इकराम। ए अल्लाह अज़्ज़ा वजल, हम पर इल्म व हिकमत के दरवाज़े खोल दे और हम पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। ए अज़मत और बुजुर्गी वाले, आमीन। जी तो अब सबक पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमज़ा पेश ऊ लाम खड़ा ज़बर ला ऊला, हमज़ा ज़ेर ई ऊला ई काफ लाम ज़बर कल उला इकल लाम ज़बर ला ज़ाल या ज़ेर ज़ी ला ज़ी नून शीन ज़बर नश ला ज़ी नश ता ज़बर ता रा ज़बर वा ता रा वाव दाल पेश वुद ता रा वुद दुआ ज़बर दुआ लाम खड़ा ज़बर ला दुआ ला लाम ज़बर ला दुआ ला ला ता ज़बर ता दुआ ला ला ता। लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है इसलिए इसको एक अलिफ ये लंबा करेंगे और इसके ऊपर बड़ी मद है तो पांच अलिफ या पांच हरकत इसको ये लंबा करेंगे तो ये छह हरकत मुकम्मल लंबा होगा। ज़ाल को नरमी से अदा करेंगे, रा को पुर पढ़ेंगे इसके ऊपर ज़बर है और दाद को भी पुर पढ़ेंगे। उलाता बालाम सिर बिल हा पेशु बिल हु दाल खड़ा ज़बर दा बिल हुदा वाओ लाम ज़बर वल अईन ज़बर आ वल ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा अज़ा बा ज़बर बा अज़ा बा वल अज़ा बा बा लाम ज़ेर बिल मीम ग़ईन ज़बर मौ बिल मौ फ़ा ज़ेर फ़ी बिल मौ फ़ी रा ज़बर वा बिल मौ फ़ी रा ता ज़ेर ती बिल मौ फ़ी रा ती। मीम को पुर पढ़ेंगे, रा को भी पुर पढ़ेंगे क्योंकि उसके ऊपर ज़बर है। ता को साकिन करके यहाँ वक्फ कर देंगे बिल मग़फ़ी रा फ़ा ज़बर फ़ा मीम अलिफ ज़बर मा फ़ा मा मीम के ऊपर छोटी मद है इसलिए इसको तीन अलिफियाँ तीन हरकात के बराबर लंबा करेंगे। हमज़ा स्वा ज़बर अस बा ज़बर बा अस बा रा ज़बर रा अस बा रा हा मीम पेश हम अस बा रा हम स्वाद पुर पढ़ा जाएगा, रा भी पुर ही पढ़ा जाएगा। عين زبر آ لام نون زبر لن علن نون الف زبر نا علن نا رازيري علن ناري نون کے پہ شد ہے اس لیے اس پہ گناہ کریں گے اور را پر پڑھا جائے گا تب جب یہاں ہم وقف کریں گے را کو ساکن کر کے یہاں وقف کریں گے کیونکہ آیت مکمل ہو رہی ہے علن نار ज़ाल खड़ा ज़बर ज़ा लाम ज़ेर ली ज़ाली का ज़बर का ज़ाली का बा ज़ेर बी हमज़ा नून ज़बर अन बी अन नून लाम ज़बर नल बी अन नल लाम खड़ा ज़बर ला बी अन नल ला हा ज़बर हा बी अन नल ला हा नून ज़ा ज़बर नज़ा ज़बर ज़ा नज़ा लाम लाम ज़बर लल नज़ा लल काफ ज़ेर की ता खड़ा ज़बर ता किता बा ज़बर बा किताबा नज़ालल किताबा बा लाम ज़ेर बिल हक़ ज़बर हक़ बिल हक़ ज़ेर क़ी बिल हक़ी तो है वक्फ़ लाज़िम। जब यहाँ हम वक्फ़ करेंगे तो क़ाफ पे क़लक़ला करेंगे और क़ाफ पुर भी पढ़ा जाएगा बिल हक़। वाउ ज़बर वा हमज़ा नून ज़ेर इन वा इन नून लाम ज़बर नल वा इन नल लाम ज़बर ला ज़ल या ज़ेर ज़ी ला ज़ी नून ख़ो ज़बर नख ला ज़ी नख वा इन ला ज़ी नख ता ज़बर ता लाम ज़बर ला फ़ा वा पेश फ़ू ता ला फ़ू वा इन ला ज़ी नख ता ला फ़ू फ़ा लाम ज़ेर फ़िल कफ़ ज़ेर की फ़िल की ता खड़ा ज़बर ता फ़िल की ता बा ज़ेर भी फ़िल की ता भी
लाम ज़बर ला फ़ा या ज़र फ़ी ला फ़ी शीन ज़र शी क़ौफ़ अलिफ़ ज़बर को शी क़ौफ़ मीम दो ज़र क़िम शी क़ौकिम बा ज़बर बारीन या ज़र री बारी दल दो ज़र दिन बारी दिन दाल पे वक्फ़ करेंगे हम क्योंकि दाल को साकिन करके यहाँ वक्फ करेंगे क्योंकि आयत मुकम्मल हो रही है। जब दाल पे वक्फ करेंगे तो यहाँ कलकला करेंगे बरीद उलाइकल्लज़ीन इश्तरौ दलालता बिलहुदा वलअज़ाब बिलमग़फिरा फमा असबरहुम अलन्नार ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق الله العظيم। जी तो आज हमने सूरह बकरा की नेक्स्ट आयात को पढ़ा है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और अपना सबक अच्छे तरीके से याद करिएगा। अल्लाह हाफिज़।